हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आप लोग दुबई गए थे लेकिन आपने अभी तक दुबई का व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया है, तो मैं उन सबको बताना चाहती हूँ। एक्चुअली हम लोग दिसंबर में दुबई गए थे और हम लोग 1 वीक के लिए गए थे। उसके बाद हमारे बहुत सारे पेंडिंग टास्क हो गए थे जो हम लोग को आके दोनों को पूरे करने थे, हस्बैंड वाइफ को। हम लोग उसमें बिज़ी हो गए। फिर उसके बाद जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। फरवरी में बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे तो मैं उसमें बिज़ी हो गई थी, तो मैं व्लॉग को एडिट नहीं कर पा रही थी और ना मेरे पास इतना टाइम मुझे मिल रहा था। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करके आप लोगों के साथ हमेशा कनेक्ट रहती हूँ। और उसके बाद में हम लोग ये आप देख पा रहे होंगे तो हम लोग ये एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ पे अरहान बहुत शैतानी करता है कि उसको ट्रॉली चलानी होती है तो हम लोग उसको दे देते हैं। और ये देखिए चेक इन के टाइम पे ये दोनों का शैतानी कम नहीं हो रही है और ये जो भी एयर होस्टेस होती है उसको हाय हेलो करता हुआ चलता रहता है और हर एक को इसको आदत है कि ये छेड़ता हुआ ही चलता है। और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हम दुबई जा रहे थे और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सपने केवल माँ बाप के घर में पूरे होते हैं। और मैं ये बोलना चाहती हूँ आप सबको, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको पार्टनर अच्छा मिल जाए तो आपके सपने भी पूरे होते हैं और आपके शौक भी पूरे होते हैं। और यहाँ पे हम लोग दुबई पहुँच गए थे और हम लोग टैक्सी में थे और हम लोगों ने पूरा पैकेज लिया था क्योंकि हमारे पास बच्चे छोटे हैं और हम लोग बिना पैकेज के अभी कहीं घूमने नहीं जाते। पहले हम लोग चले जाते थे जब अयान अकेले थे या फिर हम दोनों को अगर कहीं शुरू में जाना होता था, लेकिन जब से 2 बच्चे हुए तो हम कम्प्लीट पैकेज लेते हैं ताकि उसमें हमें पिक एंड ड्रॉप एयरपोर्ट से मिल जाए और हम लोग एक कम्फर्टेबल अच्छे से ट्रिप को एंजॉय करके आएँ। यहाँ पे हम लोग होटल पहुँच गए थे, होटल हमारा बहुत अच्छा था और ये मैं आपको उसका थोड़ा सा ये टूर करा रही हूँ। तो ये आके दोनों थक चुके थे क्योंकि हम लोग मॉर्निंग से निकले हुए थे और हम लोग को ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई थी, 4 या 5 हम लोग को बज गए थे पहुँचने में। उसके बाद हम लोग थोड़ा फ्रेश वगैरह होके होटल से फिर हम लोग निकल गए थे घूमने के लिए क्योंकि हम लोग का 8 बजे क्रूज़ पर जाने का टाइम था। और day 1 को मैं एक भी दिन यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरे पास 5 से 6 दिन का टाइम था। तो day 1 का मैंने जो अपनी आइटनरी थी उसमें मैंने प्लान रख रखा था क्रूज़ का, वो मैंने कस्टमाइज़ कराया था। अगर आप भी मेरे से पूछना चाहते हो कि ये प्लान मैंने किससे लिया और ये बहुत अच्छे बजट में था, आप भी उनसे ले सकते हैं। उसका नाम रुद्रा टूर एंड ट्रैवल्स है और मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगी। अगर आपको उसको पैकेज के बारे में पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर जो क्रूज़ की लोकेशन है, टैक्सी वाले ने जैसे बाहर पहले उतार देते हैं फिर अंदर थोड़ा सा चलना पड़ता है और ये मैं जा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और थोड़ा थोड़ा शूट करती हुई जा रही थी अपने कैमरे से और ये हस्बैंड शूट कर रहे हैं हम लोग, तो मैं अयान को मैं हैंडल करके चलती हूँ क्योंकि एक का हाथ मुझे पकड़ना होता है और अरहान को उसके पापा लेके चलते हैं, तो दोनों एक एक की जिम्मेदारी लेके रखते हैं। और ये हम लोगों का पहला इंटरनेशनल ट्रिप था तो हम दोनों वैसे ही बहुत डरे हुए थे, तो हम लोग बहुत प्लानिंग के साथ गए थे। हम लोगों ने दोनों बच्चों की पॉकेट में भी एक एक एयर ट्रैकर रखा हुआ था ताकि अगर ये लोग थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएँ तो हम लोग इनको ट्रैक कर लें कि ये किस लोकेशन पर हैं और कहाँ पर हैं। अयान तो थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको पापा का मोबाइल नंबर वगैरह हम लोगों ने याद करा रखा है, तो वो अगर इधर उधर हो जाता है तो वो नंबर बता के कॉल करा देता है। कई बार सोसाइटी में भी ऐसा हो जाता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, लेकिन अरहान बहुत छोटा है तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो हम चुपके से उसकी पॉकेट में एयर ट्रैकर डाल के रखते हैं। ये हम क्रूज़ पे पहुँच गए थे, मैं क्रूज़ पे उनको टिकट वगैरह दिखा रही थी अपना जो भी हम लोग का चेक इन का था और ये वेलकम एक ड्रिंक देते हैं। ये क्रूज़ जा रहा है, ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारी लोकेशन थी और ये नाइट व्यू इतना सुंदर लगता है। और फिर उसमें अंदर बैठ के हम लोग विज़िट कर रहे थे कि पूरा का पूरा ये लोग, क्योंकि समुंदर में ही है ऑलमोस्ट दुबई पूरा, कहते हैं वहाँ पे पानी की कमी है क्योंकि डेजर्ट में है लेकिन है पूरा ये समुंदर में ही, तो उसको फ़िल्टर करके ही यूज़ करते हैं पानी को जो भी है। और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर क्रूज़ थे, मतलब मैं तो एकदम, मुझे लग रहा था अगर आप लोग दुबई नहीं गए हैं तो मैं सब लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप अगर
कहीं और जा रहे हैं तो वन टाइम आप दुबई को ज़रूर विज़िट करें, तो आपका मन होगा कि आप बार बार वहाँ जाएं, क्योंकि दुबई वाकई में बहुत सुंदर था। और ये मेरा ड्रीम था कि मैं जब भी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप करूँगी तो मैं दुबई जाऊँ, क्योंकि दुबई मुझे जितना भी मैं मूवीज़ में वीडियोज़ में सब जगह देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे दुबई ज़रूर जाना है। एक तो छोटा है और फिर ऊपर से बहुत ही लग्जरी कंट्री है, बहुत ही इन लोगों ने अच्छे से इसको मॉडिफाई करके बनाई है, बहुत ही सुंदर कंट्री है। मतलब मैं जितनी तारीफ़ लफ्ज़ों में करूं तो वो पूरी कम है। यहाँ पे हम लोग क्रूज़ पे बैठे थे और क्योंकि ये लोग डिनर इसी में ही इंक्लूड होता है और ये लोग डिनर कराते रहते हैं और बीच बीच में थोड़ी सी एक्टिविटीज़ दिखाते रहते हैं, वो भी आप वीडियो को एंड तक देखेगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी सारी लास्ट में लोग एक्टिविटीज़ कराते हैं। ये क्रूज़ आ जा रहे थे तो हम लोग उनको देख रहे थे। ये पूरा और आधा मतलब दुबई इसी में बैठ के घुमा देते हैं, समुद्र के चारों तरफ धीरे 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 क्रूज़ चलता रहता है और उसी में ही ये हम लोगों को कराते रहते हैं, तो इन्जॉय करते रहते हैं। बीच में स्टार्टर वगैरह देते रहते हैं, आप स्नैक्स वगैरह सर्व करते रहते हैं कि आप कुछ भी खा सकते हैं और इसको पूरे को आप अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दोनों बच्चों के साथ में गए हुए थे और एक फैमिली और हमको वहाँ पे मिली, तो वो केरला की फैमिली थी, उनके साथ भी उनका एक छोटा सा बच्चा था, तो वो भी हम लोगों के साथ खूब इन्जॉय कर रहे थे। तो हम लोग सेम टेबल पे बैठ के शेयर कर रहे थे। और ये देखिए गोल्डन कलर का क्रूज़ था और ये बहुत ही प्यारा था, इसमें शूटिंग वगैरह भी होती है मूवीज़ की और इतने सुंदर सुंदर क्रूज़ वहाँ पे देखने को मिल रहे थे, मतलब आंखें हट ही नहीं रही थी कि किस चीज़ को हम इग्नोर करें या वो करें। लेकिन पूरे टाइम मतलब मेरा तो एकदम फोकस यही था कि कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, तो मैं कंटिन्यू यही देख रही थी। आप भी वीडियो को देखते रहिएगा और आगे आगे इसमें बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं। ये क्रूज़ पे एक डांस होता है जो अरेबिक गानों पे ये लोग करते हैं और अभी आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें ये बहुत सारे आइटम से बहुत सारे इक्विपमेंट से डांस करता है और इनकी जो ड्रेस है इसमें एलईडी लगी होती है, ये लाइट को ऑफ़ कर देते हैं और वो पूरा शाइन करती है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मतलब इनकी मेहनत को जितना अप्रिशिएट करें उतना ज़्यादा कम है और इनकी पूरी ड्रेस में एलईडी लगी होती है और ये पूरे टाइम घूमते रहते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा था, ये इसको ऊपर करता है नीचे करता है, मतलब मैं ये सोच रही थी कि ये कितना ज़्यादा थक जाते हैं, उसके बाद भी ये बहुत मेहनत करते हैं और इतना सुंदर इन्होंने डांस करते हैं और ये पूरे टाइम लोगों को इंगेज करके रखते हैं एक्टिविटीज़ में कि आप वहाँ पर 2 से 3 घंटे जो भी 8 बजे से लेकर 11 बजे तक आप इंजॉय करें, वहाँ पर बोर ना हो, आप एक भी मिनट वहाँ पर बोर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये इससे बहुत सारी चीज़ें बनाता रहता है, ये बेबी बनाया है तो ये बच्चे की आवाज़ निकालता है, कभी ये रोता है ज़ोर ज़ोर से, फिर इसको ये हवा में उछालेगा तो ये ज़ोर ज़ोर से हंसेगा, मतलब इतना मज़ा आ रहा था कि आप इसकी हर चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं। Thank you.
स्टार्टिंग में जब ये एक्टिविटी ये डांस दिखाना शुरू करते हैं तो ये सामने खड़े होके करते रहते हैं और उसके बाद सब लोग इन्जॉय करते रहते हैं, अपना स्टार्टर इन्जॉय करते रहते हैं। धीरे धीरे ये वन बाय वन एक एक की सीट पे आते रहते हैं क्योंकि लोगों को इनके साथ फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने होते हैं और सेल्फी खींचनी होती है। फिर ये सबको जितनी भी वहाँ पर लेडीज़ होती है जेंट्स होते हैं सबको उठा के अपने साथ लेके जाते हैं हाथ पकड़ के कि चलो अब आप लोग भी इन्जॉय करो और आप लोग भी डांस करो। मतलब ये 1% भी किसी को सिंगल बंदे को भी वहाँ पे बोर नहीं होने देते हैं और ज़बरदस्ती उठा उठा के लेके जाते हैं कि आपको डांस करना ही करना है। और अगर कोई इनको ये बोलता है कि हमें डांस नहीं होता आता है तो ये बोलते हैं जो मैं स्टेप कर रहा हूँ आप वो फॉलो मुझे करते रहें। और ये आप वीडियोस में एंड में देखना कि ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें स्टेप नहीं आता, ये देखो ये एक एक करके स्टेप बता रहे हैं कि आप सब लोग ऐसे ऐसे करते रहिए। तो हम लोग इन्हीं को फॉलो करते रहे और ऐसे ही स्टेप करते रहे और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और बहुत यहाँ पे मज़ा आया। हमारा दुबई का डे वन आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे और मुझे फॉलो करना ना भूले। और डे टू मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।